नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। ले चलता हूँ आप लोग को स्क्रीन पर। हम जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम सुपर टर्नरी लिमिटेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 7 रुपीज़ 13 पैसे पे। ले चलता हूँ आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 692.22%। लॉन्ग टर्म स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न, लगभग 7 गुना हो चुका है। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 116.72%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 72.22%। ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है -5.69%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 32.04%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 1.57%। 5 डेज में रिटर्न दिया है -2.33%। और 1 डे में यहाँ पे जानकारी नहीं है। दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन वेबसाइट पे, यहाँ पे और रिटर्न एनालिसिस करेंगे सुपर टर्नरी लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। सुपर टर्नरी लिमिटेड वॉज सेटअप इन 1953 इन उत्तर प्रदेश। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सुपर हाउस ग्रुप। द कंपनी इज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स। द कंपनी स्पेशलाइजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर फॉर ऑटोमोटिव एंड फर्नीचर, यूफोल्स टेरी, सेफ्टी एंड लाइफ स्टाइल, फुट वेयर, बैग्स, बेल्ट्स, स्पोर्टिंग गुड्स एंड इक्विस्ट्रियन इक्विपमेंट। द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू अराउंड 78 कंट्रीज। मिस्टर इफ्तिखर अमीन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखो तो आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। दोस्तों, ये वेबसाइट है सुपर टर्नरी लिमिटेड, जैसा देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने और ये लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि वेबसाइट में दिखाया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सेफ्टी फुटवेयर बनाते हैं, लाइफस्टाइल फुटवेयर बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, एक्सेसरीज बनाते हैं, तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये 40 कंट्रीज में ये करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं वेबसाइट पे ये कंपनी जो स्थित है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको और जानकारी वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हैं। जो मार्केट कैप 77 करोड़ की है, मार्केट कैप लेते हैं 100 करोड़ से, तो ये एक पेनी स्टॉक है। इसकी जो करंट प्राइस है 7.13 रुपीज़ की, इसका 52 वीक हाई है 9.60 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 3.7 रुपीज़ का। स्टॉक की जो पी है 16.9 की है, इसकी जो बुक वैल्यू है 7.96 रुपीज़ की। स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से थोड़ा सस्ता ट्रेड कर रहा है। रिटर्न यील्ड 0.70% की, इसकी जो ROC है 6.80% की। कंपनी की जो ROE है 5.45% की, इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है सुपर टर्नरी लिमिटेड का, जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.90 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैं आपको पहले कहा था स्टॉक सस्ता ट्रेड कर रहा है इसके बुक वैल्यू के 0.90 टाइम्स। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ऐसी उम्मीद है कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट प्रदान करेगी। कॉस्ट चेक करते हैं, द कंपनी है डिलीवरी पोस्ट सेल ग्रोथ ऑफ 1.87% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पोस्ट सेल ग्रोथ डिलीवर की है 1.87% की। कंपनी है जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.37% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, कम है, 5.37% का है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ऐसा हो सकता है कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही हो। प्रमोटर्स हैव प्लेस्ड 50.82% ऑफ देयर होल्डिंग। टोटल पर जितने शेयर उसमें से उन्होंने 50.82% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। ये कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है लेदर के सेक्टर में काम करती है, इसकी जो इंडस्ट्री है लेदर लेदर प्रोडक्ट्स की है। इस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर है, उसके बाद बाटा इंडिया है, देन कैंपस एक्टिव वी है, उसके बाद मिर्जा इंटरनेशनल, देन
श्री लेदर्स है, उसके बाद नंबर सिक्स पे खादिम इंडिया है, देन नंबर सेवन पर लिबर्टी शूज़ है, नंबर एट पे सुपर टानेरी लिमिटेड है। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। जून 2019 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट जो पॉइंट है 77 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 1.52 करोड़ की, कंपनी नेट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे बढ़ी हुई। अभी लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट 4 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ की, कंपनी नेट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे बढ़ी हुई है। कंपनी सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 1% 5 ईयर्स में 2% 3 ईयर्स में 4% कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 3% 5 ईयर्स में 6% 3 ईयर्स में 4% स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 ईयर्स में 15% 5 ईयर्स में 14% 3 ईयर्स में 38% 1 ईयर में 72% रिटर्न इक्विटी 10 ईयर्स में 6% 5 ईयर्स में 5% 3 ईयर में 5% लास्ट ईयर में 5%। कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स थी 196 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 232 करोड़ की, कंपनी जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो नेट कैश फ्लो थी 1 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है 0 करोड़ की, कंपनी नेट कैश फ्लो है उसमें गिरावट आई। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो कैश कन्वर्जन साइकिल थी 131 की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो कैश कन्वर्जन साइकिल है 154 की है। मार्च 2011 में कंपनी की जो आरओसी थी 10% की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो आरओसी 7% कंपनी जो आरओसी है उसमें कमी आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। जून 2019 में प्रमोटर्स के पास 58.78% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में प्रमोटर्स के पास 58.78% शेयर्स हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। जून 2019 में डीआई के पास 0% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में डीआई के पास 0% शेयर्स हैं। डीआई की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। जून 2019 में पब्लिक के पास 41.22% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में पब्लिक के पास 41.22% शेयर्स हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। दोस्तों, हमने डिटेल एनालिसिस किया सुपर टानेरी लिमिटेड का। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।